नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। भारतीय रेल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारत में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेनों में सफर करते हैं। यात्रियों को ले जाने के अलावा भारतीय रेल मालवाहक का भी काम करती है। तो क्या कभी आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि हजारों यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचाने वाली ट्रेन के पहिए का वजन आखिर कितना होता है? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ट्रेन के पहिए का वजन कितना होता है। तो साथियों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं यात्री कोच के एक पहिए का वजन कितना होता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के मुताबिक ट्रेन के इंजन और डिब्बों में लगाए जाने वाले पहियों का वजन अलग अलग प्रकार का होता है। सेल से मिली जानकारी के मुताबिक ब्रॉड गेज पर चलने वाली ट्रेन के डिब्बे के एक पहिए का वजन 384 से 394 किलो तक होता है। इसके अलावा EMU ट्रेन के एक डिब्बे के पहिए का वजन करीब 423 किलो का होता है। लाल रंग के दिखने वाले LHB कोच के एक पहिए का वजन 326 किलो के आसपास होता है। अब आपको बताते हैं लोकोमोटिव में लगे व्हील का वजन कितना होता है। सेल के अनुसार इंजन में लगे पहिए का वजन डिब्बों में लगे पहियों से ज्यादा होता है, क्योंकि इंजन का वजन डिब्बों से ज्यादा होता है, इसीलिए इंजन के पहियों का वजन भी डिब्बों के पहिए से ज्यादा होता है। नैरो गेज पर चलने वाली ट्रेन के इंजन के एक पहिए का वजन 144 किलो होता है और मीटर गेज पर चलने वाले इंजन के एक पहिए का वजन लगभग 421 किलो होता है। वहीं डीजल इंजन के एक पहिए का वजन करीब 528 किलो होता है। वहीं इलेक्ट्रिक इंजन के एक पहिए का वजन करीब 554 किलो होता है। तो इस प्रकार साथियों, ट्रेन के इंजन और डिब्बों में लगाए जाने वाले पहियों का वजन अलग अलग होता है। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आप भी हमारी वीडियो पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।